तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लूम सोलर की तरफ से आने वाले इस 12 वोल्टेज की बैटरी की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं। इस बैटरी को मैंने लूम सोलर की वेबसाइट पे जाके परचेज किया है, तो फाइनली 3 से 4 दिन के बाद ये प्रोडक्ट मेरे पास पहुंचा है। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं कि ये बैटरी कैसी है, क्या इसका प्राइस है, और इस बैटरी के साथ में हम कौन कौन सी लाइट या फिर कौन कौन सी चीज़ें यूज कर सकते हैं, कैसे इस बैटरी को चार्ज करना है, सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि भाई अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज वीडियो को डिसलाइक करें। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें इस बैटरी की बॉक्स पैकिंग की, तो आप खुद देख सकते हो कि लूम सोलर की तरफ से ये बॉक्स पूरा पैक होके आया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पैक करके दिया हुआ है। कंपनी की टेप भी लगी हुई है चारों तरफ से, ताकि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचा है वो डैमेज किसी भी कंडीशन में ना हो। तो पैकिंग के लिए तो भाई बहुत ही अच्छी बात है कि पैकिंग कंपनी वालों ने बहुत ही अच्छे तरीके से करके यहाँ पे भेजी है। तो चलिए अब फटाफट हम इसको खोल के देख लेते हैं अंदर की बैटरी को भी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको हम कट कर लेंगे, ये मैंने इसको कट कर दिया है, और पूरे अच्छे तरीके से पन्नी लगा रखी है, टेप लगा रखी है, ताकि प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से हानि ना पहुँचे। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे भाई, इसको ऐसे कट कर लेना है। इस तरीके से मैंने कट कर दिया और उसके बाद इसको हम यहाँ से कट करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से पैकिंग कर रखी है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हो कितना मोटा गत्ता इसके साइड में लगा हुआ है इस तरीके से, और इसके अंदर भी देखिए एक फोम लगा हुआ है ताकि बैटरी को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। और ये फाइनली इसके अंदर हमारी जो बैटरी है मेन, ये देख लीजिए आप, ये हमारी बैटरी है। बॉक्स को हम साइड में रखेंगे, तो इसकी पन्नी को भी हम इस तरीके से निकाल लेते हैं ताकि हम अपनी मेन बैटरी को देख पाएं। तो फटाफट मैं इसको भी निकाल लेता हूं इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पैक करके इसको भेजा हुआ है। तो अब आप देख सकते हो फाइनली कुछ इस तरीके की ये हमारी बैटरी है। यहाँ पे यार ये जो बैटरी है ना, इसका साइज देखो आप, बिल्कुल छोटी सी ये बैटरी है, और साइज मेरे को बहुत ही पसंद आया इसका। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कुछ चीजें बैटरी के ऊपर ही लिखी गई है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं लूम सोलर यानी कंपनी का यहाँ पे नाम लिखा गया है। यहाँ पे लिथियम बैटरी यानी ये जो बैटरी है हमारी लिथियम बैटरी है। इसके अंदर आपको कोई भी बीच बीच में पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल एसिड वाली बैटरी आती है उसके अंदर हमें बीच बीच में पानी डालना पड़ता है, नहीं तो वो बैटरी खराब हो जाती है या उसका बैकअप कम हो जाता है। तो इसके अंदर ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। ये हमारा बैटरी का मॉडल नंबर हो गया, और ये जो बैटरी है 6 AH की है। तो यार एक बात और भी कमाल की है कि ये जो बैटरी है 6 AH की है, उसके बावजूद भी इसका साइज आप देख सकते हो बहुत ही छोटा है। वहीं देखिए ये जो हमारी नॉर्मल एसिड वाली UPS वाली बैटरी होती है, ये देखिए ये जो है 7.5 AH की है, लेकिन इसका देखिए 1 AH का लगभग फर्क है, लेकिन साइज में आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी है, यानी इतना बड़ा साइज का फर्क है इसके अंदर। तो ये इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी कितनी छोटी सी है, तो यार ये बहुत ही अच्छी बात मेरे को लगी। और इस बैटरी के अंदर क्या होता है कि इसका जो वेट है ना, लगभग 4 से 5 किलो के आसपास वेट है इस बैटरी का। और अगर हम बात करें इस बैटरी की जो कि हमारी 6 AH की है, इसकी वेट की बात करें तो लगभग 450 या 500 ग्राम से ऊपर इसका वेट नहीं मिलेगा। अभी मेरे पास कोई वेटिंग मशीन नहीं है, नहीं तो मैं आपको चेक भी करा देता, लेकिन मेरा एक आइडिया है कि 500 ग्राम से ऊपर इसका वेट आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल हल्की सी है। यानी आप इस बैटरी को कहीं पर भी इजी कैरी कर सकते हो, इसे बैग में ले जा सकते हो, या फिर आपको कहीं पर ले जाना है तो बड़े आराम से आप इधर उधर इसे ले जा सकते हो। वहीं अगर हम इस बैटरी की बात करें जो हमारी एसिड वाली बैटरी है, इसका वेट लगभग 4 से 5 KG के आसपास है, तो इसको कहीं पर ले जाना हो तो यार आफत हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बैटरी इससे हमारी अलग है। यानी इसके एडवांटेज क्या है, एक तो इसका साइज छोटा है, दूसरा इसके अंदर कोई पानी वगैरह डालने का झंझट भी नहीं है, जबकि इस बैटरी के अंदर अगर इसको हम साल भर या 6 महीने यूज कर ले तो बीच बीच में हमें पानी डालना पड़ता है, अदरवाइज ये बैटरी हमारी या तो बैकअप कम कर देगी या फिर बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। दूसरा एडवांटेज क्या है इस बैटरी का कि ये हमारी लिथियम बैटरी इसके अंदर लगी हुई है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसको हम 100% चार्ज करके 100% इसको यूज कर सकते हैं।
जबकि इस बैटरी के अंदर इस टाइप की जितनी भी बैटरी होती है, चाहे आपके इन्वर्टर की हो, ट्रैक्टर की हो, जिसके अंदर भी हमारा एसिड डलता है, उसके अंदर क्या होता है कि हम उसको फुल चार्ज करने के बाद 50 से 60% ही उसके चार्ज को यूज कर सकते हैं। बाकी वो जो 40 या 45% बचता है उसे हम यूज नहीं कर सकते। अगर हम जबरदस्ती उसको यूज कर भी लेते हैं तो वो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर वो हमारे इन्वर्टर से चार्ज नहीं होती, फिर हमें उसे चार्ज करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये भी है कि इस बैटरी के 100% चार्ज करके हम 100% डिस्चार्ज कर सकते हैं, जबकि इस बैटरी के साथ में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये फर्क है, ये खासियत है हमारी इस लूम सोलर बैटरी की। अब यहाँ पे जो इसके अंदर सेल यूज करे गए ना, जैसे कि लिथियम बैटरी इसके अंदर लिखा गया है, तो जो हमारी लिथियम बैटरी नॉर्मली आती है वो कुछ इस तरीके की हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है, तो इस टाइप की बैटरी इसके अंदर यूज नहीं करी गई है। इसके अंदर लिथियम फॉस्फेट बैटरी यूज करी गई है, जो कि इस बैटरी का एडवांस वर्जन है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए और चीजें, यहाँ पे देखिए वही बैटरी पैक यहाँ पे लिखा गया है, इसकी पावर लिखी गई है 6 AH इसकी पावर है, इसका मॉडल नंबर हो गया, और यहाँ पे वारंटी वगैरह देख सकते हो, 2 साल की हमें कंपनी की तरफ से वारंटी मिलती है, और इसकी MRP यहाँ पे आप देख सकते हो 3500 लिखा गया है, लेकिन ये 3500 रुपये की नहीं मिलती, और भी सस्ते प्राइस में मिलेगी। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इसका रियल प्राइस आपको दिख जाएगा, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा लिखा गया है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख सकते हो 3/2022, यानी ये तीसरे महीने में ही बिल्कुल नया ही प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से भाई बैटरी तो मेरे को बहुत ही पसंद आई है, और ये बैटरी बहुत काम की है, जो कि इससे हमें अलग करती है। तो अगर आप एक अच्छी बैटरी की तलाश में हो तो इस बैटरी को ले सकते हो, क्योंकि दरअसल होता क्या है कि जैसे सिटी वगैरह में तो नॉर्मली सभी लोग इन्वर्टर वगैरह रखते हैं, लेकिन जो भाई गाँव वगैरह में रहते हैं, और गाँव में आपको पता है कि लाइट का बहुत ही बुरा हाल रहता है, एक तो घर में लाइट डिम आती है, और दूसरा रात को खाने के टाइम पर लाइट चली जाती है तो बहुत ही गुस्सा आता है, तो वहां पे आप इस टाइप की बैटरी ले सकते हो और इस टाइप की बैटरी का यूज कर सकते हो। अगर आप कि कोई गांव में छोटी मोटी दुकान है, आपके दुकान में लाइट का कनेक्शन नहीं है, और लाइट है तो टाइम पे लाइट चली जाती है रात को, तो वहां पे आप इस बैटरी का यूज कर सकते हो। अब देखिए इस बैटरी के अंदर हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो सबसे पहले हम इस बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे कि इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से हम सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस बैटरी के प्लस और माइनस वाले पॉइंट हैं, तो यहाँ पे हम इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो 13.2221 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये जो इस टाइप के डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं ना, एक दो वोल्टेज हमारे ऊपर नीचे करके दिखाते हैं, तो ये जो बैटरी है हमारी 12 वोल्टेज की है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार यहाँ तो 13 वोल्टेज दिखा रहा है। तो अभी इस बैटरी के साथ में कोई लोड भी नहीं जुड़ा, इस वजह से एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है हमारा। तो चलिए ये तो हमने इसकी वोल्टेज चेक कर ली, अब चलिए इसके साथ में हम देख लेते हैं, क्योंकि गांव में क्या है कि ज़्यादातर लोग छोटे मोटे पंखा बनाना चाहते हैं, तो पंखे के लिए आप इस टाइप की मोटर यूज करते हैं 12 वोल्टेज की। तो चलिए हम ये चेक कर लेते हैं कि ये मोटर इसके साथ में कैसे काम करेगी। तो यहाँ पे मैं पहले इसके ऊपर टेप लगा लेता हूँ ताकि इसकी स्पीड का थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टेप ली है, क्योंकि मेरे पास अभी इसकी पंखड़े नहीं है, तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये बैटरी का हमारा प्लस पॉइंट है और ये बैटरी का माइनस पॉइंट है, ये तो सभी को पता ही होता है। तो नॉर्मली आप देख सकते हो कि जैसे मैंने इसके साथ में कनेक्शन करा, तो आप देख सकते हो कि ये जो मोटर है हमारी बिल्कुल फुल स्पीड में घूम रही है इस बैटरी के साथ में, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। और आप इसकी साउंड से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि कितनी फास्ट ये मोटर काम कर रही है। यहाँ पे देखिए मैं इसको पकड़ना भी चाहूंगा, तो इस तरीके से जब मैं पकड़ रहा हूँ तो मेरा हाथ पूरा गर्म हो जा रहा है, लेकिन ये मोटर पकड़ में नहीं आ रही है। देखिए पूरा जो मैंने जोर लगा लिया, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रही है भाई, बहुत ही तेजी से ये मोटर हमारी काम कर रही है। तो अगर आप घर पे एक 12 वोल्टेज का DC पंखा बनाना चाहते हो और उसके लिए एक अच्छी बैटरी लेना चाहते हो, तो आप इस बैटरी को खरीद सकते हो। उसके बाद देखिए कुछ चीजें और हैं हमारे पास, जैसे कि काफी सारे गांव में दुकानें होती हैं या फिर सब्जी वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने ठेले पे या फिर दुकान पे इस टाइप की फट्टी वाली लाइट यूज करते हैं, या फिर घर पे भी काफी सारे लोग इस टाइप की लाइट यूज करते हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं जला के कि इसके साथ में ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली जो लाइट है ये भी हमारी फुल रोशनी में बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है, तो इसके अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इस टाइप की लाइट वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है इस बैटरी के साथ में। और उसके अलावा ये देखिए इस टाइप की स्ट्रिप लाइट वगैरह काफी सारे लोग यूज करना चाहते हैं, तो इस तरीके से इसको भी हम चेक कर लेते हैं लगे हाँ। तो यहाँ पे इसको भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए रेड कलर की ये जो स्ट्रिप लाइट है इस बैटरी के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी 12 वोल्टेज की छोटी मोटी लाइट है या मोटर है और उसके लिए एक अच्छी बैटरी आप ढूंढ रहे हो, तो आप इस लूम सोलर की इस बैटरी को
खरीद सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि इस बैटरी को हम चार्ज कैसे करेंगे। तो इस बैटरी को चार्ज करना बिल्कुल आसान है। देखिए, इस बैटरी के लिए मार्केट में चार्जर भी मिलता है, नहीं तो इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर आता है हमारा 12012 का, इसकी मदद से आप चार्जर बना के इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो। इस बैटरी को भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। और इस बैटरी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ओवर चार्जिंग का प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर ही BMS सर्किट लगा होता है। तो आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि यार बैटरी को हमने ज़्यादा देर तक चार्ज लगा दिया तो हमारी बैटरी फूल के खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ऑटोमेटिक कटिंग वाला सिस्टम लगा हुआ है, BMS सर्किट। जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये सप्लाई को कट कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसके अंदर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस ट्रांसफार्मर से किस तरीके से आप बैटरी का 12 वोल्टेज का चार्जर बना सकते हो, मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल पे, आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।